काहे नहीं दे रहे भाई, काहे किसी का पैसा रुक के रख नहीं, दिया वैसा, वैसा इंटेंशन नहीं है। तो क्यों नहीं हो रहा है? मैं बता दे, कितने दिन में कंप्लायंस करोगे कोर्ट ऑर्डर का, ये बताओ, हमको टाइम चाहिए। आपके मालूम है आपके स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट कोयले का 21,000 करोड़ रुपए 5 साल में दे दिए, 21,000 करोड़ रुपीज। क्या किए भाई आपने? माइन मिनरल राइट्स में जब से अमेंडमेंट आया स्टेट लबालब हो गया पैसे से। यस लॉर्डशिप, इन दिस केस लॉर्डशिप, ऑन द लास्ट डेट द कंटेमनर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द रीट अपील हैज बीन फाइल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट लॉर्डशिप एंड द रीट अपील हैज आल्सो बीन डिसमिस्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट लॉर्डशिप। यस एंड टिल डेट द रिवाइज पेंशन पे स्केल हैज नॉट बीन गिवन टू द पिटिशनर्स लॉर्डशिप। काहे नहीं दे रहे भाई, काहे किसी का पैसा रुक के रख दिया? वैसा इंटेंशन नहीं है। तो क्यों नहीं हो रहा है? कितने हाँ। दिन में कंप्लायंस करोगे कोर्ट ऑर्डर का, ये बताओ, हमको टाइम चाहिए। सब मैं अपने पार्टी के लिए जिसके लिए अपियर हो रहा हूँ उसका बता देता। आप कौन है? मैं रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 इंचार्ज प्रिंसिपल था फॉर लिमिटेड टाइम। ठीक है, आप सामने कुछ फॉर सेक्रेटरी वाला, सेक्रेटरी का क्या? और कौन है आप, किसके लिए? रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 वाला कौन है वो? हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी कभी भी नहीं रहे, हमें गलती से पार्टी बनाया गया। इसमें पैसा पेंशन किसको देना है? स्टेट गवर्नमेंट लॉर्डशिप। सेक्रेटरी कौन सा है? सेक्रेटरी 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 ना, अभी तो कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अभी तो की बात ही मत करो। आज अब तो नई कहानी फिर से बनेगी। अब बताइए आप कि क्यों नहीं दिक्कत हो रही? अरे काम करो, उनके सबको बुला लो, यहाँ तभी पेंशन मिलेगी, कुछ नहीं। हाँ, किसी आदमी को रिवाइज कितनी पेंशन का मिलना है आपको बताओ? क्या चार्ट बना है? रिवाइज एज पर फिफ्थ पे कमीशन इन लॉर्डशिप द कोर्ट हैज सिंगल बेंच ऑर्डर इन आवर फेवर इन लॉर्डशिप देन द रिट अपील हैज बीन प्रेफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज आल्सो बीन टीचर हो गया आप स्कूल के एजुकेशन में प्रोफेसर थे लॉर्डशिप असिस्टेंट प्रोफेसर थे कॉलेज में यस लॉर्डशिप ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेज का है एडेड प्राइवेट कॉलेजेस उसके हम प्रोफेसर थे लॉर्डशिप तो हमने पिटीशन प्रिपेयर की थी। ये कहाँ का कॉलेज है? ये लॉर्डशिप दुर्गा कॉलेज है क्या? यस लॉर्डशिप दुर्गा कॉलेज। हाँ फिर क्या हुआ? ऑल ओवर स्टेट का है। तो कितना पैसा देना है आपको? एरियाज कितना बन रहा है अभी? इट हैज बीन डायरेक्टेड दैट दे हैव दे विल फिक्स एंड डिसबर्स द अमाउंट टू द पिटिशनर्स। कहाँ है दिक्कत हो रही है भाई, क्यों नहीं दे रहे हो? बट एक्चुअली देयर इज एरियाज इज देयर एंड तो क्या हुआ? डिफरेंस इज दैट 1976 पेंशन रूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन देम। कौन सा 1976 पेंशन रूल? सॉरी लगेगा मतलब दैट वाज द ग्राउंड बिफोर। वो तो खत्म हो गया है भाई, यू आर दी रनिंग दी एडेड इंस्टीट्यूशन है ना, वहाँ तो पेंशन रूल लगता है। कॉलेजों में तो कॉलेजों को स्पेशली लगेगा ना, ना 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 दैट वाज द ग्राउंड। अरे भाई हम भी तो खुद भी किए सकल कम करके आए तभी तो मालूम है ना, ये हमको मालूम है यूनिवर्सिटी में भी पेंशन लागू किया गया है। ये जजमेंट पहले हुआ था पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। यस लॉर्डशिप, इट हैज बीन मेंशन इन द पिटीशन एज वेल लॉर्डशिप। अब नई सेक्रेटरी कौन बैठ रहा है? एक काम कीजिए, अभी यहाँ पे ओएसडी कौन है यहाँ पे ऑफिसर बताओ? और फाइल का कोई भी नहीं है चार्ज में, मेरा चार्ज में कोई भी नहीं है। क्यों? प्रदेश इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड ही इज मिस्टर आई एम अपीयरिंग फॉर मिस्टर धनंजय देवांगन, ही इज मोर द सेक्रेटरी नाउ एंड दे हैव प्रपोज टू फाइल ए एसएलपी दैट इज अंडर डेलिबरेशन माय लॉर्ड। तो कब एसएलपी फाइल हो जाएगी आपकी? फाइल करके हमको बता दीजिए। एजी ऑफिस से ओपिनियन के लिए पेंडिंग है। और वो एजी ऑफिस का छोड़ो, उससे हमको कोई मतलब नहीं, आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। लॉर्डशिप द ऑर्डर इज ऑन 25/8/2023 लॉर्डशिप। यस यस वी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। रिट अपील वाज डिसाइडेड इन द ऑगस्ट 2000। हाँ डिसमिस हुई है। यस लॉर्डशिप, दैट ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं होने वाला है, फॉग सेटल है। समय इसलिए चाहिए कि फंड बहुत ज्यादा है। कितना एरिया आ रहा है आपका? एरिया कैलकुलेट किया ये बताओ। करोड़ में आएगा मतलब? करोड़ क्यों? करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, आपके मालूम है आपके स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट कोयले का 21,000 करोड़ रुपए 5 साल में दे दिए, 21,000 करोड़ रुपीज। क्या किए भाई आपने? माइन मिनरल राइट्स में जब से अमेंडमेंट आया स्टेट लबालब हो गया पैसे से। नियत आप लोगों की नहीं है, बस इसको 14 जनवरी को लगाते, 15 जनवरी को लगाते हैं। 15 जनवरी तक लिखना भाई, इसको कंप्लाई करते करते मगर नहीं। अरे आप पहले ये तो बता दो पैसा देने का चाहते कितना हो, आप पहले अपनी नियत दिखा दो, फिर हम आपको ब्रीदिंग टाइम देंगे। यू नो मिस्टर मजुमदार, आई वांट टू सी द कंडक्ट ऑफ द ऑफिसर फर्स्ट। इफ आई सेटिस्फाइड दैट दे आर एबल टू डू समथिंग,
आई विल गिव देम हेल्पिंग इट। अगर वो नहीं अगर करते हैं एसएलपी तो उसके लिए नोट शीट पूरा फॉरवर्ड कर देंगे पेमेंट के देखिए भय बिना हो इतना प्रीत। 15 जनवरी कट ऑफ डेट है, मकर संक्रांति के बाद पहला डिस्पोजल यही होगा। व्हाट्सएप रेस्पॉन्डेंट नंबर 4 हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन। हम नहीं सुनेंगे भी, किसी को नहीं सुनेंगे। डिलीटिंग द नेम डॉट, हमें मतलब नहीं है, पैसा चाहिए पेंशन। इंचार्ज प्रिंसिपल है सर, इंचार्ज हो, इंचार्ज हो, भुगतो। हमें क्या करना है, हम कुछ नहीं करेंगे अभी, आज भी हम कुछ ऑर्डर नहीं करेंगे, हमें कंप्लायंस करा दीजिए, सब कुछ छोड़ देंगे। हेलो,